दोस्तों, जियो के फीचर फोन को टक्कर देने के लिए इंटेक्स ने अपना नया 4G वोल्टी फीचर फोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है इंटेक्स टर्बो प्लस 4G। और आज इस वीडियो में मैं इसी फोन से रिलेटेड बात करने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर लेटेस्ट एंड अपकमिंग स्मार्टफोन वीडियो, स्पेक्स कंपेरिजन वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंटेक्स टर्बो प्लस 4G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंटेक्स टर्बो प्लस 4G में 2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और साथ में फ्रंट में VGA कैमरा भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इंटेक्स टर्बो प्लस 4G में 512 MB की रैम दी गई है और 4GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 32GB तक। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो इंटेक्स टर्बो प्लस 4G में 2000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि आपको बहुत ही बेहतर बैकअप दे सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई स्पेसिफिकेशंस की बात। अब दोस्तों थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको जियो के फीचर फोन से कंपेयर करें तो इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशंस लगभग मिलते जुलते हैं। लेकिन दोस्तों इंटेक्स टर्बो प्लस 4G में यूट्यूब चलेगा या नहीं, इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। और बात करें प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में हो सकता है, लेकिन ये फ़ोन एग्जैक्ट कितने प्राइस रेंज में अवेलेबल होगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसका प्राइस 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में ही होगा। तो दोस्तों ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है 4G फीचर फ़ोन की रेस में। और वैसे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक से रुको और हमें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।